हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वोकैब का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग नए हैं चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वीडियो का अपडेट मिलता रहे। फर्स्ट वर्ड है डिफेम। ये जो है वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है डिफेम, ये जो है वर्ब के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू हार्म समबडी बाय सेइंग और राइटिंग बैड और फॉल्स थिंग अबाउट हिम या हर, ठीक है। टू हार्म समबडी बाय सेइंग और राइटिंग बैड और फॉल्स थिंग अबाउट हिम या हर, यानी कि मान हानि करना या फिर निंदा करना, उसे ही डिफेम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सबस्टांटिव। नेक्स्ट वर्ड है सबस्टांटिव, ये जो है एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है इम्पोर्टेंट, सीरियस और रिलेटेड टू रियल फैक्ट। इसका मीनिंग होगा इम्पोर्टेंट होना, सीरियस होना या फिर रिलेटेड टू रियल फैक्ट या फिर रियल फैक्ट से रिलेटेड होना, उसे ही सबस्टांटिव कहते हैं। हिंदी मीनिंग देखिए, महत्वपूर्ण, गंभीर या वास्तविक तथ्यों से संबंधित। महत्वपूर्ण, गंभीर या वास्तविक तथ्यों से संबंधित, उसे ही सबस्टांटिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिस, ये वर्ब के तरह यूज होता है, ठीक है। ये एडमोनिस वर्ड जो है वर्ब के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू स्ट्रॉन्गली एडवाइज समबडी टू डू समथिंग, यानी कि टू स्ट्रॉन्गली एडवाइज समबडी टू डू समथिंग, किसी को स्ट्रॉन्गली एडवाइज करना किसी कोई काम करने के लिए, यानी कि सतर्क कर देना, ठीक है, यानी कि सतर्क कर देना। एडमोनिस का हिंदी मीनिंग होगा सतर्क कर देना। नेक्स्ट वर्ड है सबटली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सबटली, ये वर्ड के लास्ट में ly लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है इन ए वे दैट इज स्मॉल एंड डिफिकल्ट टू नोटिस और डिस्क्राइब बट इम्पोर्टेंट। इन ए वे दैट इज स्मॉल एंड डिफिकल्ट टू नोटिस और डिस्क्राइब बट इम्पोर्टेंट, यानी एक तरह से जो छोटा है और नोटिस करना या वर्णन करना कठिन है लेकिन महत्वपूर्ण है, उसे सबटली कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि एक तरह से जो छोटा है और नोटिस करना या वर्णन करना कठिन है लेकिन महत्वपूर्ण है, उसे ही सबटली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एडमोनिशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिशन, वर्ड के लास्ट में ION लगा रहे तो नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए पीस ऑफ एडवाइस दैट इज ऑल्सो ए वार्निंग टू समवन अबाउट देयर बिहेवियर, यानी कि ए पीस ऑफ एडवाइस दैट इज ऑल्सो ए वार्निंग टू समवन अबाउट देयर बिहेवियर, यानी कि सलाह का एक टुकड़ा जो किसी को उनके व्यवहार के बारे में भी चेतावनी देता है, उसे ही एडमोनिशन कहते हैं। यानी कि सलाह का एक टुकड़ा जो किसी को उनके व्यवहार के बारे में चेतावनी भी देता है, उसे ही एडमोनिशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डॉगी, डॉटगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डॉटगी, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है इन्वॉल्विंग रिस्क नोट ऑनेस्ट और नोट टू बी ट्रस्टेड। इन्वॉल्विंग रिस्क नोट ऑनेस्ट और नोट टू बी ट्रस्टेड, यानी जिसमें धोखा खाने का खतरा हो, ईमानदारी रहित या गैर भरोसेमंद, यानी कि जिसमें धोखा खाने का खतरा हो या ईमानदारी रहित या फिर गैर भरोसेमंद, उसे ही डॉटगी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एमोर्फस, वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है हैविंग नो डिफिनिट शेप फॉर्म और स्ट्रक्चर, यानी कि किसी चीज का कोई डिफिनिट शेप नहीं होना, ना कोई डिफिनिट फॉर्म होना और ना ही स्ट्रक्चर होना, उसे ही एमोर्फस कहते हैं। हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका बिना किसी निश्चित आकृति रूप या संरचना के, बिना किसी निश्चित आकृति रूप या संरचना के, उसे ही एमोर्फस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडियोस, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है बिगर और मोर कॉम्प्लिकेटेड देन नेसेसरी, बिगर और मोर कॉम्प्लिकेटेड देन नेसेसरी, यानी अनावश्यक रूप से बड़ा और पेचीदा, यानी कि अनावश्यक रूप से बड़ा और पेचीदा, उसे ही ग्रैंडियोस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिटिंगली, वर्ड के लास्ट में ly लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है इन ए वे दैट लास्ट ओनली ए शॉर्ट टाइम, इन ए वे दैट लास्ट ओनली ए शॉर्ट टाइम, यानी कि एक तरह से जो थोड़े समय के लिए ही रहता है, उसे फ्लिटिंगली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडिबली, वर्ड के लास्ट में ly लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव,
यानी यह कहने के लिए प्रयोग किया जाता है कि किसी चीज पर विश्वास करना बहुत कठिन है। इनक्रेडिबली वर्ड जो है प्रयोग किया जाता है कोई चीज पर विश्वास करना बहुत कठिन है, ठीक है, कोई चीज पर विश्वास करना बहुत कठिन है, वही इनक्रेडिबली वर्ड का हिंदी मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच, नाउन की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग है एन एक्ट डेट ब्रेक्स एन एग्रीमेंट ए लॉ ईटीसी, एन एक्ट डेट ब्रेक्स एन एग्रीमेंट ए लॉ ईटीसी, यानी नियम समझौते की शर्तों आदि का उल्लंघन करना, नियम समझौते की शर्तों आदि का उल्लंघन करना, उसे ही ब्रीच कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टनाइट, ये नाउन की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग है ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, इसका मीनिंग है ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह की अवधि, यानी कि 2 सप्ताह की अवधि। नेक्स्ट वर्ड है फिट, ये नाउन की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग है समथिंग यू डू नॉट यू डू डैट सोच ग्रेट स्ट्रेंथ स्किल और कॉरेज, समथिंग यू डू डैट सोच ग्रेट स्ट्रेंथ स्किल और कॉरेज, यानी शक्ति और कुशलता या साहस से पूर्ण कार्य उल्लेखनीय या फिर उपलब्धि, शक्ति और कुशलता या साहस से पूर्ण कार्य उल्लेखनीय या उल्लेखनीय उपलब्धि, उसे ही फिर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इलाइट, ये नाउन की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग है द रिचेस्ट मोस्ट पावरफुल बेस्ट एजुकेटेड और बेस्ट ट्रेंड ग्रुप इन ए सोसाइटी, द रिचेस्ट मोस्ट पावरफुल बेस्ट एजुकेटेड और बेस्ट ट्रेंड ग्रुप इन ए सोसाइटी, यानी किसी समाज का सबसे धनी सबसे शक्तिशाली सर्वोत्तम शिक्षित या सर्वोत्तम प्रशिक्षित समूह, यानी किसी समाज का सबसे धनी सबसे शक्तिशाली सर्वोत्तम शिक्षित या सर्वोत्तम प्रशिक्षित समूह, उसे ही इलाइट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो मैं सेशन को एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।